वहाँ मशीन पहुँच जाती है, पहुँचने के बाद हम पूरी अमाउंट उसके पास से लेते हैं। अच्छा, पहले पैसा नहीं देना पहले होता। पैसा नहीं देना पड़ता। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक दिखाया था, उसमें क्या था कि फिल्टर अलग था और ये मशीनें अलग थी। हाँ, एक खली होती है। खली सकते हैं। तेल का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस। तो स्क्रीन पे ये जो छोटी सी मशीन देख रहे हैं, ये मात्र 12,000 रुपये की है और इसको घर पे लगा के आप आसानी से एक छोटा सा उद्योग शुरू करके घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस मशीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में अंत तक बने रहिए और पूरा डिटेल वीडियो मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ। इस फैक्ट्री में मैं पहुँच चुका हूँ, गुजरात की ये फैक्ट्री है और इस तरह की मशीनें इस फैक्ट्री में बनाई जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक सरसों तेल की फैक्ट्री का मैंने वीडियो शूट किया था, काफी सारा प्यार मिला था आप लोगों को, कई सारे मिलियन लोगों ने देखा था उसको और उसमें लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया इस तरह की मशीनें हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो आज मैं पहुंच चुका हूं गुजरात की एक मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में और मेरे पीछे देख रहे होंगे सुधता इंटरप्राइजेज। यहां पे सरसों तेल बनाने वाली कई तरह की मशीनें मिलती है, घरेलू यूज वाली सस्ती मशीनें, कमर्शियल सस्ती मशीनें या बड़ी बड़ी मशीनें, कई सारी वैरायटी की यहाँ पे बनाई जाती है। सीधे फैक्ट्री में मैं आपको ले चलूँगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग टीम से मिलवाऊंगा और कौन कौन सी मशीनें हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्या प्राइस होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और वो मशीन काफ़ी कॉस्टली था, बड़ा मशीन था जो सब कोई सेटअप नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में मैं आप इस फैक्ट्री का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीनें आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कितनी छोटी मशीनें हैं जो घरेलू यूज के लिए यूज किया जाता है। ये छोटी मशीनें हैं, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। आप छोटी घर पे यूज कर सकते हैं, छोटा सा दुकान है वहाँ पे थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा और भी आपका यूज है तो उस तरह से मशीनें अपने यूज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये कंपनी है सुधता इंटरप्राइजेस, सूरत के, गुजरात के सूरत में हम लोग हैं और पूरा डिटेल फैक्ट्री में चलेंगे। वैरल भाई हैं हमारे साथ, वैरल देसाई भाई। यस सर। पूरा डिटेल इनसे बात करेंगे, फैक्ट्री के ऑनर हुए, मशीनें कैसे बनाई जाती है, क्या वारंटी गारंटी होता है, क्या प्राइस होता है, या डीलर लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या प्राइस होगा, पूरा डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम। मेरा नाम वीरल देसाई है जी। शुद्धता एंटरप्राइज का मैं ओनर हूँ। सरसों का तेल हो, मूंगफली हो, तील हो या किसी भी तरह का, सबकी तेल निकालने वाली मशीनें यहाँ पे बनाई जाती है। ये देख सकते हैं और भी मॉडल के यहाँ पे मशीनें हैं और सारी ये डेमो में रखे गए हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे फैक्ट्री में, चूंकि हमारे व्यूअर को ये दिखाना चाहते हैं कि सीधे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग टीम को दिखा रहे हैं और कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मशीनों का क्वालिटी होना भी, ये जो अगर कोई काम करता है फैक्ट्री चलाता है उसके लिए ये भी जरूरी है कि भाई मशीनें अच्छी क्वालिटी के लें जो लंबे समय तक काम दे। जैसे हम लोग नोटबुक मशीनें के बारे में हम लोग बोलते हैं उसमें कि भाई दादा खरीदे और पोता चलाए, वो इतना जनरेशन बाई जनरेशन मशीनें खराब नहीं होती है, उस तरह की क्वालिटी होने वाली है आप लोग? हाँ जरूर जरूर, इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे कौन सा किस तरह काम होता है? टर्निंग वगैरह, ड्रिलिंग है, प्रेस का है, उस तरह से फैब्रिकेटेड। ये कौन सा क्या बन रहेगी? ये फिल्टर की प्लेट है। अच्छा, तो इस पे सब पे आपका लोगो भी रहता है इस मशीन? हाँ, सारे पार्ट पे। इधर थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये सुधता इंटरप्राइजेस अंडर के सारे पार्ट पे भी आपका लोगो लगा। हाँ, लोगो लगा हुआ रहेगा। ये सब क्या, वो उसका बॉडी बनाया जा रहा है? फिल्टर की बॉडी चल रही है अभी। ये SS की पाइप यूज करते हैं हम, स्टेनलेस स्टील की। अच्छा, जो पुराने डिजाइन, पुराने जमाने की जो ऑयल वाली मशीनें हैं वो देखने में थोड़ा सा बड़ा गंदा दिखता है। हाँ, वो गंदा दिखता है। हाँ। ये पूरा साफ सुथरा दिखेगा आपको। 2000 वाट की मशीन है, फिटिंग्स हो रही है। ये छोटी मशीन है, होम यूज वाली। अच्छा, 400 वाट की। अच्छा, उसका असेंबलिंग चल रहा है। कितने तरह की मशीनें बनाते हैं आप? होम यूज से लेकर कमर्शियल यूज तक की बनाते हैं, मतलब 2 kg से स्टार्ट होती है होम यूज की मशीनें। मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने हैं आपकी फैक्ट्री के, आपकी कंपनी? 15 से 20 प्रोडक्ट है मेरे पास। ये फिल्टर इसी को बोलते हैं? हाँ जी, ये फिल्टर मशीन है। कितना इसमें है? मेरे पास 3 है। हाँ। एक 9 है, 12 है, 14 प्लेट है। हाँ। क्या डिफरेंस हो जाता है सब में फिल्टर का? सब में कैपेसिटी अलग अलग होते हैं, मतलब जैसे 2000 वाट की मशीन है तो 9 या 12 प्लेट की फिल्टर लगा ले, 4200 वाट की है तो 12 या 14 प्लेट की फिल्टर लगा ले साथ में। फिल्टर के, फिल्टर से क्वालिटी में भी डिफरेंस पड़ता होगा? हाँ, तेल जो हम जो निकलता है वो थोड़ा उसको बैठने देना पड़ता है, पर अभी क्या हो गया कि कस्टमर को तुरंत के तुरंत ही चाहिए क्लियर ऑयल, तो हाँ। वो क्लियर ऑयल उसके आंखों के सामने जैसे तेल निकलता है सेम उसी टाइम पे फिल्टर होके निकलेगा, रेडी होके निकलना चाहिए, पूरा रेडी होके। मैं उसके आपको डेमो भी दिखाता हूँ अभी। अच्छा, फिल्टर असेंबलिंग हो रहा है ना, मशीनों से जो तेल निकलता है वो पक जाता है या गरम हो जाता है? हाँ। तो वो पक्की घानी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। हाँ जी। और कच्ची घानी जो पुराने जमाने में कोल्हू से निकाला जाता उसको कच्ची घानी बोला जाता है, क्योंकि उसमें तेल ठंडा होता था, उसमें तेल ठंडा निकलता है, दूसरी बात उसको बार बार पिसाई नहीं करनी पड़ती, उसमें न्यूट्रिशन जो होता था ना वो जलता नहीं है, तो वो फायदेमंद। सेम सिचुएशन, सेम वही क्वालिटी आपको मेरी मशीनों में मिलेगी, एक ही बार में तेल निकलेगा,
तेल निकलता हुआ रहेगा, वो भी एकदम ठंडा निकलेगा और एक ही बार में निकलेगा। सबसे बड़ी बात जो आप पुराने टाइम में जब दो से तीन बार डालना पड़ जाता वो सारे सिस्टम, मतलब वो टाइम भी लगता था, निकलता तो अच्छा भी नहीं दिखता है, कचरा कचरा लगता है। तो उसकी जगह पे इसमें एक ही बार तेल निकलेगा, वो भी ठंडा निकलेगा और उसी टाइम पे फिल्टर होकर निकलेगा। वो पहले नाली से डालेंगे, फिर वो टैंक में डालेंगे या पाइप के माध्यम से फिल्टर में जोड़ेंगे, वो सारी सिस्टम अभी निकल गई है। तो ये मतलब एक बार में प्योर तेल मिल जाएगा, यस, और ठंडा भी निकलेगा साथ में। तो तेल का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से लेके मैक्सिमम 70 डिग्री तक जाता है। तो अपना ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से बाद बर्न होना चालू होता है, मतलब जलना चालू होता है, जबकि हमारा मैक्सिमम 70 डिग्री तक जाता है। और सरसों के तेल के अंदर तो रूम टेम्परेचर के आसपास का ही टेम्परेचर रहता है, 30-35 डिग्री टेम्परेचर। 600 वाट की मशीन है विद टेम्परेचर कंट्रोलर, 600 वाट की हेवी ड्यूटी टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है, 400 वाट की हेवी ड्यूटी टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है। इसका कैपेसिटी भी बता दीजिए ना, ये वाला जो घरेलू यूज का है इसको ये कितना निकालेगा तेल? एक घंटे के अंदर ये 2 से 5 केजी तक का तेल, 2 से 4 केजी तक का तेल निकालेगी। एक घर के लिए काफी है, एक घर के लिए काफी, ये भी 2 से 4 केजी तक की कैपेसिटी है। ये 600 वाट की है, इसकी 3 केजी से 5 केजी तक की कैपेसिटी है। ये 400 वाट की विदाउट टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है, जिसमें वो डिजिटल मीटर नहीं लगा हुआ रहता, ये दोनों सेम है। ये 600 वाट की विदाउट टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है और ये 600 वाट की विद टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है। ये अपने मूंगफली का तेल निकाला है? यस यस, ये मूंगफली का ही है। यस। अच्छा, एक ही बार में निकला है ये? हाँ, एक ही बार में निकला हुआ है। ये सरसों का है? ये सरसों का है, ये आपकी ब्लैक मस्टर्ड का भी है। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। एक कोकोनट कटिंग मशीन है नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। अच्छा, कितने से स्टार्ट हो जाता है घरेलू? कितने से घरेलू मशीन है वो 12,000 से लेके 18,000 के बीच की रेंज के है। हाँ। और कमर्शियल में 55,000 से लेके 1.5 लाख तक की कैपेसिटी। कमर्शियल की कैपेसिटी कितने से स्टार्ट हो जाती है जो 55,000 की है उसकी? 55,000 से 8 से 12 केजी की, 8 से 12 केजी पर आवर। पर आवर, फिर 2,000 वाट की मशीन आती है, 15 से 20 केजी की कैपेसिटी आती है पर आवर कैपेसिटी। फिर आती है 4,200 वाट की मशीन, जिसकी 35 से 40 केजी की कैपेसिटी आती है। जो सबसे महंगी है आपके पास कितने की है? वो 1,50,000 प्लस जीएसटी में। कितना एक घंटे में निकाल सकते हैं? 35 से 40 केजी। 35 से 40 केजी, एक छोटी सी फैक्ट्री घरेलू लघु उद्योग चलाया जा सकता है? हाँ, चलाया जा सकता है आराम से, आराम या से। छोटा कहीं दुकान किए हो, छोटा सा गांव में शॉप हो, तो इस तरह की मशीनें रख के वहाँ पे आप इससे पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बड़े भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे वो पहले जो आती थी हमारी 100 केजी वाली मशीन, वो 3 बार में जब पिलाई करती थी तो उसी टाइम पे आ जाती है मशीन भी। हाँ, मतलब वो 3 बार जो करेंगे वो एक बार, वो एक ही बार में कर देगी। सिंपल सी सारा काम बिजली से होता है। हाँ, सारा मतलब बिजली खपत कितनी होती है? मतलब एक घंटे के अंदर आपकी 40 केजी सरसों पीलेगी और मैक्सिमम 4 यूनिट बिजली लेगी फिल्टर के साथ भी गिनती करे तो। अच्छा, मतलब 40 रुपए का एक घंटे में मैक्सिमम 10 रुपए भी यूनिट के हिसाब से भी गिनती करे। अच्छा, इसके लिए क्या सिंगल फेज या डबल फेज किस तरह की बिजली चाहिए? सिंगल फेज भी चलता है और 3 फेज भी चलता है। कस्टमर के असेंबलिंग करते समय आप कस्टमर के हिसाब से कर देते हैं। और छोटी वाली जो मशीनें हैं वो तो सारी सिंगल फेज है, घरेलू बिजली पे चल जाएगी। हां, घरेलू बिजली पे चल जाएगी। सारे बटन वगैरह सब कुछ सेट रहता है इसमें? हां। अच्छा, मशीनें जब आप लोग भेजते हैं तो इंस्टॉल करने कोई जाता है या सब कुछ रेडी रहता है? सब कुछ रेडी रहता है, प्लग एंड प्ले वाले जैसा है। अच्छा, सबसे पहले MCB ऑन करना है, फिर हीटर का स्विच ऑन करना है, फिर अलार्म का स्विच ऑन करना है। इसके बाद हमें जरूरत के हिसाब से हमें टेम्परेचर सेट करना है। जैसे हम सरसों का निकाल रहे हैं तो हम 250 डिग्री टेम्परेचर सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सब लिखा रहता है? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। या इसका मैनुअल बुक भी देते हैं? हाँ, मैनुअल बुक भी आएगी। 250 डिग्री जैसे ही आ जाएगा टेम्परेचर, अपने आप चालू हो जाएगी। अच्छा, अलार्म बजने लगेगा, फिर हमें मशीन स्टार्ट करने देगी। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? अभी 10 मिनट के जैसा टाइम लगेगा। तो ये लगभग 10 मिनट छोड़ने के बाद आपका 250 टेम्परेचर आ गया। 250 टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर क्या मतलब, 250 टेम्परेचर पे हीट हो रहा है अंदर? हाँ, जो उसके बैरल के ऊपर का जो हीटर लगा हुआ है ना, वो 250 डिग्री तक गर्म हो चुका है। अच्छा, अभी इससे अलार्म बजने लगा, इसको हम ऑफ करेंगे। ये दिखाता है कि भाई हमारा टेम्परेचर आ चुका है। अभी इसको पुश करके हम इसको ऑन करेंगे। अच्छा, ये ऑन हो गया मशीन। अभी इसमें हम दाने डालेंगे और दाने डालने के बाद इसको हम टाइट करेंगे जरूरत के हिसाब से, खल मोटी पतली करनी है उसके हिसाब से। ब्लैक वाली सरसों है और इसमें डाल के इसका तेल निकाल के देखेंगे हम। ये हॉपर में डालेंगे? ओके, ठीक है जी। दो मशीनें चालू किया गया है डेमो के लिए,
दोनों का टेम्परेचर 249, यहाँ पे देख सकते हो 50 248, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ, ये फुल्ली ऑटोमेटिक दिखाया था, उसमें क्या था कि फिल्टर अलग था और ये मशीनें अलग थी, ये सब जॉइंट है, ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक है। हाँ, ये देख सकते हैं आप इसको आप लोग क्या बोलते हैं, खरी, ये खरी होता है ना हमारे। हाँ, ये खली होती है, खली। ये देखें, तेल निकलना शुरू हो चुका है इसमें। ये देख सकते हैं तेल का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, यानी तेल मैंने आप क्या दिखाना चाहते हैं कि तेल पका हुआ नहीं है? तेल पका हुआ नहीं, तेल एकदम ही ठंडा है। हाँ, चाहे ये मशीन आप हाथ भी लगा सकते हैं निकलते हुए तेल को। अच्छा, मैंने ये कहने का मतलब पक्की घानी नहीं आ रहा, पक्की घानी नहीं आ रहा, इसको कच्ची घानी बोल सकते हैं, कच्ची घानी, और एक ही बार में तेल निकल जाएगा। हाँ, कच्ची घानी खाने से क्या फायदा होता है? उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जलते नहीं है। पक्की घानी में वो चीजें, वो तीन बार पिसाई करने पे उसके न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं जल जाते हैं। तो जो पुरानी मशीनें होती थी, जैसे हमने जो वीडियो दिखाया था उसमें ये मशीनें, पुरानी वाली मशीनें होती थी ना, वो एक एक्सपिलर लगाया, फिर उसमें से वो खल निकली, वापस वो दूसरे एक्सपिलर में गई। हाँ। और फिर नलियों के माध्यम से फिर वो टंकी में जाएगी, फिर उसका फिल्टरेशन होगा। जबकि एकदम ईजी है, आपके आंखों के सामने दाने डालेंगे, आंखों के सामने तेल निकलेगा और वही तेल फिल्टर होके आ जाएगा। मतलब इसमें अब तेल बिल्कुल भी नहीं होगा? हाँ, इसमें बिल्कुल ही तेल नहीं होगा, आप देखिए मैं दिखाता हूँ। एकदम कागज जैसी खली हो जाती है और इसमें तेल नहीं होता है। एक साथ पूरा काम हो रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक। मैंने दिखाया था आपको कि भाई अलग अलग इस तरह की कई सारी मशीनें जिसमें खली निकाल करके फिर डाला जाता था और फिर तेल निकाला जाता था, लेकिन इसमें एक बार में ही, ये देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, एक बार में ही इसमें से पूरा तेल निकल जा रहा है। ये आपके आंखों के सामने आप खुद देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये इधर से डायरेक्ट इसमें तेल निकल के आ रहा है। इसमें हॉपर में सरसों डाले और यहाँ से तेल निकला, और इसमें से पाइप के द्वारा, ये देख सकते हैं पाइप से, ये सीधे फिल्टर में आ रहा है, और यहाँ से पूरा फिल्टर होके, एक बार क्वालिटी दिखाएं कितना साफ तेल दिख रहा है, अंदर दिखाएं क्वालिटी दिख जाएगा आपको कितना ये क्लीन दिख रहा है। और ये कितना प्लेट है? ये 14 प्लेट की फिल्टर मशीन है। कैपेसिटी की बात करें तो कितना होगा? एक घंटे में 38 kg सरसों का तेल निकाल के देगी, 38 से 40 kg का एक ही बार में तेल निकाल के देगी। तो इसका प्राइस क्या हो जाता है? ये 14 प्लेट की फिल्टर है, ये 45,000 की फिल्टर मशीन है और 1,50,000 प्लस GST की मशीन है। अच्छा, इससे फैक्ट्री, एक छोटा सा उद्योग चलाया जा सकता है? हाँ, मतलब ये कोई 2 लाख प्लस GST में कोई अपना काम चालू कर सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में तेल का काम चल रहा है तो हो हल्ला हो या बड़ा सा नॉइज हो, वो सब कुछ भी नहीं। आप कैमरे में देख रहे हैं मशीनें चल रही है, लाइव आप देख रहे हैं कि मशीनें चल रही है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, और टेम्परेचर आपने देखा लगभग। हाँ। ये जो कच्ची घानी और पक्की घानी की बात होती है कि भाई जब पक्की घानी, यहाँ पे देख सकते हैं 47 डिग्री टेम्परेचर है इसका। हाँ। और आजकल कहीं भी देखेंगे आप, प्रिंट पे मिल जाएगा कि कच्ची घानी तेल, लेकिन कच्ची घानी होता नहीं है, जब फैक्ट्री में जाएंगे तब लगभग सब कुछ वैसे ही पैकिंग होता है। और कोलू में क्या होता था कि खल के अंदर तेल काफी छूट जाता था। हाँ। जबकि इसके अंदर तेल नहीं छूटता है। और जो हमने कई सारे वीडियो दिखाया ना, उसमें क्या होता है कि इसको फिर से डाला जाता है, इसमें तेल जो बचा होगा फिर से निकल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी, इसमें तेल अगर होता तो ये कितना, ये पापड़ जैसे आवाज आ रहा है इसका। हाँ। पूरा ये बिल्कुल भी तेल नहीं है, इसमें पूरा तेल एक बार में भी निकल रहा है। सबसे अच्छी बात है ये पूरा स्टील वाली है, स्टेनलेस स्टील पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील की है। क्या गारंटी वारंटी होता है इसका? एक साल की वारंटी रहती है। और इसके अंदर जो मोटर यूज करते हैं वो कोई यहाँ नहीं बनाते, कमर्शियल की सारी मशीनों के अंदर हम गोदरेज है, क्रॉम्पटन है, हैवेल्स है, वैसी स्टैंडर्ड कंपनी की मोटर यूज करते हैं। सबसे पहले हम मशीन के उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं पूरी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के बाद हम उसका जो भी डिस्काउंट है उसका डिस्काउंट दे के फिर उसके बाद हम बुकिंग अमाउंट के तौर पर, कमर्शियल मशीन है तो 8-10 हज़ार, होम यूज मशीन है तो 2-3 हज़ार के हिसाब से हम टोकन लेते। टोकन लेने के बाद वहाँ मशीन पहुँच जाती है, पहुँचने के बाद हम पूरी अमाउंट उसके पास से लेते हैं। अच्छा, पहले पैसा नहीं देना, पहले पैसा नहीं देना पड़ता है, पहले टोकन के हिसाब से देना पड़ता है। मतलब कुछ भी, कोई रिटर्न भी करे तो आपका ट्रांसपोर्टिंग निकल सकता है। बस 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 बस, ये बड़ी 2000 वॉट है, 4200 वॉट है, पूरी वुडन पैकिंग में पैक होके आएगी। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास उतनी ताकत है कि आप रेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यस यस। तो रेट जो आपने बताया तो वो फिक्स है या नेगोशिएट? हाँ, नेगोशिएट होता है इसके। हाँ, इसमें ऊपर नीचे होता है? हाँ हाँ जी। वो फोन पे आप डील कर सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं, या सूरत के आसपास से हैं तो
तो सीधे फैक्ट्री पे भी पहुंच के आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। और सबसे अच्छी ये सब चीज़ें क्वालिटी लगी, कहीं भी रखेंगे ना, अगर घरेलू यूज में किचन में भी रखते हैं तो वो देखने में एक अलग सा लुक आएगा, अलग सा। हाँ। जैसे ये वो जैसे मिक्सी वगैरह रहता है किचन में, उस तरह का लगेगा कि भाई कुछ स्टैंडर्ड क्लास की कुछ चीज़ें रखी हुई है। मान लीजिए आपको कुछ आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी मशीनें लें, छोटी लें कि बड़ी लें, आप अपने हिसाब से क्या यूज है, कितना खपत है, कितना लोगों का डिमांड है, उस हिसाब से बताएंगे तो आपको टीम जो है रिकमेंड कर देगी कि आपको ये मशीनें लेनी चाहिए, आपको ये मशीन आप लगा के चला सकते हैं। yes, yes. पूरी टीम आपको गाइड करेगी। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कुछ भी इंक्वायरी हो सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा पूरा फैक्ट्री दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको आज की ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि तेल वाली जो वीडियो मेरी वायरल हुई थी उसके बाद से लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इस तरह की मशीनें या इससे बेहतर मशीनें कहाँ मिलेगी। तो मैं आज सूरत में इस मशीनों की तलाश में पहुँच चुका हूँ और इस वीडियो को शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।